हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कि आप अपने फेशियल हेयर्स को कैसे रिमूव करें नेचुरल रेमेडीज के साथ। फेशियल हेयर जो होते हैं वो हमारे बाकी हेयर्स की तुलना में 10 गुना सॉफ्टर होते हैं, तो उनको रिमूव करना आसान होता है। पार्लर्स बंद है, लॉकडाउन के दौरान सब लोग घर पे हैं, तो हम घर पे ही ये रेमेडी आराम से बना सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको थ्रेडिंग की ज़रूरत है, ना आपको रेजर की ज़रूरत है और ना ही वैक्सिंग की। घर में जो भी इंग्रीडियंट्स होते हैं हम उन्हीं से ये रेमेडी तैयार कर सकते हैं। अक्सर जो है वैक्सिंग से, थ्रेडिंग से या फिर रेजर से हमारे फेस पे इरिटेशन हो जाती है, ये रेमेडी से कोई इरिटेशन नहीं होने वाली है, साथ ही साथ आपके फेस पे ग्लो भी आएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए रेमेडी देखते हैं। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है। आपको इसको हफ्ते में 2 बार यूज करना है, उसके बाद देखिए रिजल्ट एकदम इतना अच्छा आएगा, आपका फेस ग्लो करेगा, आपको फेशियल तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई रेडनेस नहीं होगी, आपका फेस एकदम से ग्लो करेगा। इसके लिए हमें लेना है बेसन, 1 से 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं अपने फेस और नेक के हिसाब से, और सेम क्वांटिटी में हमें लेनी है शुगर, शक्कर आप ले सकते हैं या फिर चीनी को पीस के आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच दूध मिलाना है। आप देखिए गाढ़ा पेस्ट बनाना है इसलिए कम ही मिलाए, आप चाहे तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। आपको इसे बालों की डायरेक्शन में अप्लाई करना है, बालों की डायरेक्शन जो नीचे की तरफ होती है ग्रोथ, तो आपको उसको उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना है, ऊपर की तरफ अप्लाई नहीं करना है। इससे आप पूरे फेस को कवर कर लीजिए। ये देखने में थोड़ा शाइनी दिख रहा है और थोड़ा सा सूखने के बाद 10 मिनट के बाद ये और शाइनी हो जाएगा। इस तरह से अपने पूरे फेस और नेक को कवर कर लीजिए। इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, नहीं तो 10 मिनट में सूख जाता है, 10 मिनट तक इसको रखना है। सूखने के बाद ये सूखा हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ जो इसमें शाइनिंग है वो बढ़ जाएगी, आप देख सकते हैं। अब इस पर आटा अप्लाई करना है क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं निकलेगा, शुगर उसमें ऐड किया हुआ है इसलिए वो चिपचिप रहेगा, इसलिए आटा अप्लाई कीजिए ताकि इसको रगड़ के निकालने में आसानी रहे। इस तरह से पूरे फेस को कवर कर लेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों की हेल्प से इसको रगड़ के निकाल देंगे। ऐसा करने से आपके जितने भी बाल हैं वो इस तरह से निकल आएंगे, आप देख सकते हैं। मैंने पूरे फेस को क्लीन कर लिया है, अब मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद कुछ इस तरह से शाइनिंग आ गई है पूरे फेस पे, आप देख सकते हैं बाल तो निकल ही गए हैं और फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी थोड़ा लाइट हो गया। मैंने कुछ भी नहीं लगाया है लेकिन आप जो ग्लो देख सकते हैं। इसको ट्राई करके जरूर देखना और बताना जिन जिन लोगों को इससे अफेक्ट हुआ है। और जब तक लॉकडाउन है घर पे रहिए, सेफ रहिए। आप घर पे रहेंगे तभी सेफ रह सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। फिर मिलती हूँ ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।